इनकी बना इनकी। संभल में सूचनाएं मिल रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहां पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है। संभल में वोटिंग के दौरान हंगामे और बवाल की तस्वीरें कई पोलिंग बूथ से आई। इस बीच समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो जारी कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी ने जो वीडियो जारी किया उसमें एक मतदाता का सिर फटा हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे से कुछ लोग आवाज देते हुए सुनाई दे रहे। वीडियो बना इसकी वीडियो बना, उस शख्स के हाथ में पट्टी भी बंधी है। इसी वीडियो में दो लोग एक बुजुर्ग को गोद में उठाए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस की पूरी टीम खड़ी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में आगे कुछ पुलिस वाले एक शख्स को गाड़ी में बिठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि आगे की तस्वीरों में एक शख्स पीठ पर उभरे डंडों के निशान दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी ने वीडियो जारी करते हुए एक्स पर लिखा है, संभल लोकसभा के अंतर्गत आने वाले कुंदर की, बिलारी, चंदौसी, संभल एवं असमोली समेत सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस द्वारा मतदाताओं को पीटा एवं धमकाया जा रहा है। अनावश्यक रूप से वोटर पर्ची की चेकिंग करके मतदाताओं को परेशान करके मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित। अखिलेश यादव ने भी संभल में पुलिस की ज्यादतियों को लेकर सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि मैनपुरी में बूथ लूटे जाने तक की आशंका जता दी है। संभल में सूचनाएं मिल रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहाँ पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है। इसी तरह किसनी से शिकायतें आ रही हैं, आपके करहल से शिकायतें आ रही थी, और मैनपुरी की तैयारी है शहर में कि बूथ लूटे जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।